हेलो देयर। पुष्पा पार्ट वन के सुपर डुपर हिट होने के बाद सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर उसका सेकंड पार्ट कब आएगा और उसके आगे की स्टोरी क्या होगी। फैंस के इस एक्साइटमेंट को सातवें आसमान तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ये टीज किया था कि पुष्पा से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और वो भी अगली सुबह 11 बजे। जब अगली सुबह 11 बज गए तब मेकर्स ने अनाउंस किया कि वो 2 दिन बाद पुष्पा से रिलेटेड फुटेज रिलीज करेंगे और हाल ही में उन्होंने वो फुटेज रिलीज कर दिया है। और जहां हम सोच रहे थे कि वो कोई छोटा मोटा टीजर होगा, वहीं ये फुटेज इसी ट्रेलर से भी लंबा निकला। आइए जानते हैं कि इस फुटेज में आखिर हुआ क्या और पुष्पा है कहाँ। तो इस बड़े से ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पुष्पा को पुलिस ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया था, पर वो जेल से फरार हो चुका है। पर भला पुष्पा जेल में आखिर गया कैसे, क्योंकि जहां तक हमें याद आ रहा है पिछली मूवी के एंड में वो भाई साहब तो शिवल्य के साथ शादी कर रहे होते हैं और बड़े ही कड़क ढंग से बोलते हैं, मैं झुकेगा नहीं साला। तो आखिर इस बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुष्पा सीधे जेल जा पहुंचा? शायद इसका जवाब आगे आने वाले ऑफिशियल ट्रेलर से मिले। अब बात करें इस ट्रेलर की, तो इसमें दिखाया जाता है कि हर जगह ये न्यूज फ्लैश हो रही है कि पुष्पा जब जेल भाग रहा था तो उसकी गार्ड के साथ लड़ाई हुई और उसके पीठ पर 8 गोलियां लगी हैं। और भला 8 गोलियां खाने के बाद कोई जिंदा बच सकता है क्या? पर एक बात तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोविड की वेव और इंडियन मूवीज के हीरोज कभी भी चले जाने के बाद वापस आ सकते हैं, तो पुष्पा को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। फिर इस ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि पब्लिक इस बात से नाराज है कि शायद पुलिस ने पुष्पा को जान से मार डाला और वो हर जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहीं कुछ पब्लिक पुष्पा की साइड लेते हुए ये कह रहे हैं कि भले ही वो इलीगल काम करता था पर दिल का वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने हमेशा गरीबों की मदद की है, किसी की बीमारी का इलाज करवाया है तो किसी की बेटी की शादी का खर्चा उठाया है, इसलिए सब उसे भगवान मानते हैं। अब इसी तोड़फोड़ और हंगामे के बीच में सिटी केबल वालों को जंगल की वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग कैमरा का एक फुटेज मिलता है और वो फुटेज किसी के भी होश उड़ा देने लायक है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि रात के टाइम पे इस कैमरे ने एक टाइगर की फुटेज कैप्चर की है। टाइगर अपनी मस्ती में जंगल की सैर कर रहा होता है, पर तभी वो किसी चीज को देखकर अचानक रुक जाता है और अपने कदम पीछे हटाने लग जाता है। पर भला ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे खुद टाइगर भी डर जाए? इसका जवाब अगले ही सेकंड में तब मिल जाता है जब कैमरे के सामने एक इंसान आता है। और भला शेर भी जिससे डर के 2 कदम पीछे हट जाए, वो पुष्पा के अलावा और कौन हो सकता है? तो बस पब्लिक खुशी मनाने लग जाती है पुष्पा के जिंदा होने की। अब यहाँ तारीफ इस मूवी के मेकर्स की भी करनी होगी, जिन्होंने पुष्पा के ओरिजिनली आंध्र प्रदेश में रिलीज होने के बावजूद पुष्पा 2 का अनाउंसमेंट हिंदी ऑडियंस के सामने किया, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल जब ये मूवी 2021 में आंध्र प्रदेश में रिलीज हुई थी तब इसने कुछ खास अर्निंग नहीं की थी और इस मूवी को तो हिंदी में रिलीज करने का प्लान तक नहीं था, पर जब इस मूवी का हिंदी वर्जन पैन इंडिया बेसिस पर रिलीज किया गया तो वो सुपर डुपर हिट साबित हुआ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इस मूवी के लिए हाइप बिल्ड की है। और मूवीज की हिस्ट्री में शायद ऐसा पहली बार हुआ हो कि किसी मूवी का टीजर ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो और अगली सुबह उसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर तक में छप जाए। तो ये थी बात पुष्पा के उस टीजर के बारे में जो किसी भी मूवी के ट्रेलर से लंबा है, और शायद इस टीजर में दिखाया गया पोर्शन पुष्पा 2 के बीच का फुटेज हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ प्रमोशन के लिए ही शूट किया गया हो। अब चाहे केस जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है कि इस मूवी का फैंस बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। अगर आप भी पुष्पा 2 का डिटेल और मजेदार रिव्यू देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।